गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वाणिज्य उत्सव। तो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाणिज्य उत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस वाणिज्य उत्सव में जो है एक तरह से इंडिया की इकोनॉमिक फोर्स और हमारी जो ग्रीन और स्वच्छ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इसी वीक में हम वाणिज्य सप्ताह भी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू ऑफ कोर्स। और इसमें जो है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, गुरुग्राम में, ठीक है। तो हम देखते हैं अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है। तो ये 1978 में इसको बनाया गया, एक ऑफिशियल बॉडी ऑफ अप्रैल एक्सपोर्टर्स है, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी और जो लोग इम्पोर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल बायर्स उनको भी असिस्ट करती है। हेडक्वार्टर इनका गुरुग्राम में है और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और जो है उसकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। अब ये वन स्टॉप शॉप है सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे मार्केट रेड इन्फॉर्मेशन हो, जो कि गारमेंट सेक्टर में जो है इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। अब साल में दो बार ये इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर भी ऑर्गेनाइज करते हैं अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वाले, ठीक है। तो ये भी एक इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। वाणिज्य उत्सव, सो वाणिज्य सप्ताह इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ AEPC, दैट इज द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक, दिस वाणिज्य सप्ताह, this Vanijya Utsav is being celebrated, and this Utsav is showcasing India's rising economic force and our ability to make green and swachh says, besides of course hand holding farm to foreign lands and other exporters, and it is covering all the 739 districts of the country. Okay, so about the Apparel Export Promotion Council, it was incorporated in 1978 and it is the official body of apparel exporters in India. It has been providing assistance to not just the Indian exporters but the buyers or the importers also. Okay, so it has its headquarters in Gurugram and promotes and facilitates garment manufacturing and its exports from India. So it acts as a one-stop shop for providing all the information, either technical or market-led. So all the information is provided by this AEPC. It conducts India International Garment Fair twice a year. This AEPC conducts it, and it exhibits almost 350 exhibitors which showcase their ability and their products through this fair. Okay, so now let us see the next topic, which is National Single Window System. So Union Minister of Commerce and Industry जो है उन्होंने National Single Window System को उसकी facility को launch किया है। तो हुआ क्या था कि budget 2021 में Finance Minister ने announce किया था कि हम एक investment clearance cell बनाना चाहते हैं जो end-to-end information देगी इन्वेस्टर्स को और इवन प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी उनको देगा, ठीक है। अब DPIIT ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, सारे स्टेट्स को ऑनबोर्ड किया और उनके साथ मिलकर इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को तैयार किया है। अब ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, सारी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपको अप्रूवल चाहिए, क्या क्लियरेंस चाहिए, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, सारा का सारा इसी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ही इन्वेस्टर्स को पता लग सकता है। अब इसका क्या है कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है बहुत ज़्यादा, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पड़ी है, हर स्टेट्स के अलग रूल्स हैं, उन सबको एक ही जगह पर देखने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को बनाया गया। अब जो है इसमें ही एक और ऐसा सिस्टम था, ऑफकोर्स इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर, नो योर अप्रूवल सर्विस। नो योर अप्रूवल सर्विस क्या होता है कि एक इन्वेस्टर जाता है इस नो योर अप्रूवल सर्विस के ऊपर और वो अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर करता है और उसको बताया जाता है कि आपको आप अगर ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको इन अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी, ये अप्रूवल्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ये अप्रूवल्स आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसको भी जो है इसी साल जो है वो लॉन्च किया गया था, नो योर अप्रूवल सर्विस को भी अब इसको जो है भी अकोमोडेट कर दिया जाएगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इन्वेस्ट इंडिया का एक में बहुत बड़ा रोल है, DPIIT तो आपको पता ही है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है।
लेकिन इन्वेस्ट इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है इसको बनाने के लिए, तो उसके बारे में देखते हैं। 2009 में इसको बनाया गया था एज अ सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक सेक्शन 25 के अंदर इस कंपनी को बनाया गया था। शुरुआत में तो इसके अंदर 49% इक्विटी जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की थी, लेकिन और जो है बाकी 51% शेयर होल्डिंग जो है वो फिक्की की थी, ठीक है। लेकिन बाद में अब जो है करंटली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज किया गया है। 51% जो प्राइवेट इंडस्ट्री की जो शेयर होल्डिंग है उसमें 17% फिक्की, CII और नास्कॉम की है, बाकी जो रिमेनिंग 49% बनती है वो सेंट्रल और 19 स्टेट गवर्नमेंट्स ने आपस में डिवाइड की हुई है, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया ही इंडिया का जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है और सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इन्वेस्टर्स का इंडिया में, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस इस टॉपिक इन इंग्लिश। National Single Window System. So Union Minister of Commerce and Industry has launched this system and it was announced in the budget 2020-21. The finance minister announced it that they plan to set up an investment clearance cell which will provide end-to-end facilitation and support for investors, including the pre-investment advisory which generally an investor seeks before investing in a particular country. So DPIIT and Invest India, they both shared, they joined hands and they started working on this project of National Single Window System. And this system will act as a single platform to enable investors to identify and obtain approvals and clearances. All kinds of approval, all kinds of clearances, any kind of information that an investor needs before investing in India will be done through this National Single Window System. Okay, so currently there is information asymmetry. Okay, so there is duplication of information. So every state has another rule. So one investor needs a single point source from where he or she can get the entire information. So that's why this National Single Window System was envisaged and this has been created now. So there was also a Know Your Approval service, which was launched, I think, in July this year. And it gives an investor an opportunity to go upon this portal and answer some questions so that the portal understands the kind of investment that this investor wants to make. And based upon the answers, this portal gives the reply in the format that this and this kind of clearances will be required by you before once you if you want to start a business in India. So these kind of approvals are given by central government, these are by state governments or district authorities or as the case may be. So this approval service, the Know Your Approval service, has also been accommodated and it has also been joined in this National Single Windows facility. And Invest India has been an instrumental force behind this, all this vision. So let's see what is Invest India. So it was formed in 2009 as a Section 25 company. And initially it had a foreign, it had a 49% equity from the government by the DPIIT, of course. And the rest of the 51% was share, the shareholding was held by FICCI. But recently the shareholding pattern was changed and 51% of industry association shareholding was distributed amongst FICCI, CII and NASCOM. Of course, 17% each has been allocated to them. And the remaining 49% of the shareholding is divided between central and state governments. Okay, so 19 state governments divide themselves this should the shareholding for Invest India. Okay, so this Invest India acts as the National Investment Promotion and Facilitation Agency of the country. Okay. So now let us see the next topic, which is Har Ghar Nal Ka Jal. तो बिहार गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, इसको सितंबर 2016 में उन्होंने लॉन्च किया था, हर घर नल का जल। और इसके अंदर जो है 152.16 लाख टैप कनेक्शंस जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। अब याद रखो जो ये टैप कनेक्शंस हैं ये एक अलग प्रोग्राम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन है वो एक अलग प्रोग्राम है। अब ये हर घर नल का जल जो बिहार की स्कीम है, ये 4 स्टेट की स्कीम्स को कंबाइन करके बनाई गई है ताकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो टैप्स के थ्रू अर्बन और रूरल होम्स दोनों में पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्लान ये है कि हर रोज 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को जो है वो पानी जो है क्लीन वाटर जो है वो लोगों को मिल सके।
और इसका जो प्रोजेक्ट है उसको कौन चला रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको काम दिया हुआ है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पंचायती राज या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो स्टैंडर्ड बिडिंग करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखो, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है उसमें अलग, वो एक अलग चल रहा है, उसमें अलग टैप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये वाला जो मिशन है ये बिहार गवर्नमेंट का अपना मिशन है जो कि 2016 में उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। सो अब जो जल जीवन मिशन है उसके बारे में भी देखते हैं। तो जल जीवन मिशन जो है वो पीएम मोदी ने 2019 में अनाउंस किया था और 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक जो है वो टैप वाटर कनेक्शन देने की इसमें बात की गई है, ठीक है। 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे जो है एवरी रूरल हाउस होल्ड को मिल सके, इसके लिए मिशन चलाया गया है। और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो 2024 तक जो है वो देने की इसमें बात की जा रही है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज, इन सब को भी जो है वो डाला गया है, इन एलिमेंट्स को भी, ताकि जो है ओवरऑल जो है हम पानी की जो समस्या को हल कर सकें, ठीक है। फंडिंग पैटर्न वही है जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है, 90-10 जो है हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 50-50 फॉर अदर स्टेट्स। अब याद रखो मोस्टली जो है वो 60-40 का होता है, बट इस स्कीम में 50-50 का जो है वो शेयरिंग पैटर्न है सेंटर और स्टेट्स का, ठीक है। अब इसके अंदर जो है नेशनल लेवल पर भी, ऑफ कोर्स सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और विलेज लेवल पर भी जो है वो कमेटीज बनाई गई हैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और ओवरसी करेंगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, हर घर नल का जल। सो इट इज़ अ स्कीम बाय बिहार गवर्नमेंट, इट वॉज लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2016 एंड इट हैज़ कम्प्लीटेड 5 years नाउ। And the scheme has been able to provide 152.16 lakh tap connections to the residents of Bihar. So it was a cluster of 4 state schemes, and this scheme aims to provide clean drinking water to both urban and rural homes. So what is the difference between Jal Jeevan Mission? Jal Jeevan Mission is only targeting the rural households, but this Ghar Ghar Nal Ka Jal has a provision for both urban as well as rural homes. So the target is to provide at least 2 hours of water each in the morning, afternoon and evening, and the scheme is being implemented with the help of contractors. They are given the contract after bidding, of course due bidding is done, and this is a separate mission as that of the Jal Jeevan Mission, which is by the central government. So Jal Jeevan Mission, it aims to provide 18 crore rural households of the country with tap water connections by the year 2024, and it envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through these tap connections by the year 2024. Of course, it is not limited to just giving the tap connections, but it has elements like rainwater harvesting, groundwater recharge, management of household wastewater for reuse, etc. And the funding pattern is similar to the centrally sponsored scheme, but there is a catch here that the funding pattern for other states is 50-50 as opposed to what we are accustomed to see, that is 60-40 pattern. But this time, in this case, the pattern is 50-50. Okay, so apart from the national level Jeevan Mission committees, there are also committees at the state, district and village level which are overseeing the implementation of this scheme. So now let us see the next topic, which is Purple Revolution. तो ये बहुत important है इस बार के आपके prelims के लिए, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर में इसको expand किया जा रहा है Purple Revolution को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि Purple Revolution किस चीज़ से related है, तो आपको एक कोई पता होना चाहिए। तो Lieutenant Governor जो है UT of जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला है कि Purple Revolution को वो पूरे के पूरे जो है UT में जो है जम्मू कश्मीर में उसको expand करेंगे। और 2016 में इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, अरोमा मिशन इसका नाम है ऑफकोर्स। और इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स या एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि लैवेंडर, इन सब की कल्टीवेशन करने का जो है वो वहाँ के फार्मर्स को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव तो ये था 2016 में कि 1500 हेक्टेयर जो है उसमें लैवेंडर की जो है वो कल्टीवेशन की जाएगी 3 साल के अंदर अंदर। और अब इसी मिशन का जो है वो सेकेंड फेज़ भी स्टार्ट हो चुका है, और जो है उसके साथ फ्लोरिकल्चर मिशन भी स्टार्ट किया गया J&K में। इसके अंदर क्या किया जाता है कि फार्मर्स को जो है वो प्रेरित किया जाता है कि वो लेवेंडर या फिर ऐसे एरोमेटिक या मेडिसिनल कैश क्रॉप्स लगाएं,
उनको प्लांट मटेरियल भी दिया जाता है, फिर डिस्टिलेशन क्या, क्योंकि इसकी इसका जो है लेवेंडर का जो है वो ऑयल चाहिए होता है, तो लेवेंडर ऑयल या फार्मर्स को ट्रेन भी किया जाता है कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, पर्पल रेवोल्यूशन। सो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अनाउंस दैट दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड द पर्पल रेवोल्यूशन अक्रॉस द स्टेट और द यूटी ऑफ कोर्स, एंड इट वॉज लॉन्च इन 2016 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट as aroma mission. So it aims to boost the cultivation of plants like lavender which have aromatic medicinal properties. It aims to increase lavender cultivation to about 1500 hectares within 3 years. So how the government helps these farmers so that they opt for this cultivation, so they are given planting material, they are even provided distillation units so that farmers can extract the oil of the lavender and start distillation process so as to double or increase their income. Okay, so they are even trained to extract this and now after this mission, the first phase, the second phase of this aroma mission has also been planned, and in combination with this floriculture mission, this will also be launched soon. Okay. So now let us see the next topic, which is blue flag certification. तो blue flag certification ने इंडिया में दो और beaches को जो है वो recognize कर लिया है, कोवालम बीच जो कि तमिलनाडु में है और एडन बीच जो है पुडुचेरी में है, ठीक है। तो blue flag certification क्या होता है, ये eco tourism model है, इसको foundation for environmental education जो कि एक फ्रांस बेस्ड foundation है उसने start किया था 1985 में, और शुरू में तो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित था, लेकिन 2001 से जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया तब से ये आउटसाइड यूरोप भी जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। 47 कंट्रीज इसके अंदर करंटली पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज़ हैं वो स्पेन में है। और इसमें होता क्या है कि जो भी बीच कुछ पैरामीटर्स को अगर वो उस पर खरे उतरते हैं, जैसे कि अच्छी फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को देते हैं, क्लीन हाइजीनिक बेदिंग वाटर, अच्छी एम्यूनिटीज, सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पूरे एरिया में, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफाई कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, टूरिस्ट जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा बीच जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, तो वहाँ पर वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ही इसी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तंज पर अपना भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है बीम्स प्रोग्राम। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, और बीम्स है इसका नाम, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर ही इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है मेन, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोस्टल रीजन की की जा सके और इनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज बनाया जा सके, और ब्लू फ्लैग की सर्टिफिकेशन की तरह ही ये बीम्स प्रोग्राम भी जो है वो बीचेस की सर्टिफिकेशन करता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बीम्स प्रोग्राम जो है वो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है कोस्टल वाटर्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है बीच फैसिलिटीज़ को, उन सबको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, और इससे क्या होगा कि सारी बीचेस जो है इंडिया में धीरे धीरे वो स्ट्राइव करेंगे कि हम भी जो है वो बीम सर्टिफाइड हो जाएंगे, ब्लूस फिर जब बीम सर्टिफाइड हो जाएंगे तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी का ही इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, और इंडिया का अपना एक इको लेबल है, ठीक है। So now let us see this topic in English, blue flag certification. So recently blue flag certification has recognized the two more beaches from India. So Kovalam beach from Tamil Nadu and Aden beach of Puducherry has been recognized, and they have been accorded blue flag certification. So this blue flag certification aims to provide certification to all those beaches which are having a sustainable development in that area, which provide basic clean and hygienic facilities or amenities to the tourists. So basically, if their coastal environment is clean, sustainable, environmentally sound, then they are accorded this blue flag certification. So it is basically an ecotourism model, so tourists can see which beaches are blue flag certified, so they can visit that without any tension that that particular beach would be good or not. So once these two, this blue flag certification comes into picture, the tourists get information about the sustainability or the hygienic
potential of that beach. Okay, so this blue flag certification, it was started by the Foundation for Environmental Education, which is based in France. Of course, it's a NGO, a non-profit organization. Initially, this program was launched in Europe only, but since 2001, when South Africa joined this program, this has been extended to other countries also. So currently 47 countries are participating in this program, and Spain tops the list with 566 such beaches. Okay, so in apart from this blue flag certification, India has also launched its own eco label, which is called the BEAMS program. So Society for Integrated Coastal Management, which is under the Ministry of Environment, they have launched this BEAMS program, which is the Beach Environment and Aesthetics Management Services. So it has also the same similar mandate. It recognizes the sustainable development of coastal regions, and it gives the certification to such beaches. And once these BEAMS program certifies a beach, this beach also, of course, becomes eligible to get itself certified with the Blue Flag certification. Okay, so it is basically India's own eco label. So now let us see the next topic, which is National Curriculum Framework. तो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर जो है एक कमेटी बनाई है. इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है के कस्तूरी रंगन जी, उनके अंडर जो है 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है जो कि न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जो है वो डेवलप करेंगे. ठीक है, तो लास्ट टाइम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो 2005 में डेवलप किया गया था, तो बहुत ज़रूरत हो गई थी कि 16 साल निकल गए हैं ऑलमोस्ट, और अब ये दूसरा जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑफकोर्स. और इसमें जो है क्या होगा कि इसी की वजह से डिसाइड होगा, इसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से के बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि क्या स्कूल की टेक्स्ट बुक्स का सिलेबस बदला जाए, क्या कैसा टीचर एजुकेशन का जो है करिकुलम क्या होना चाहिए, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए, या एडल्ट एजुकेशन का भी करिकुलम क्या होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारा जो है के कस्तूरी रंगन जी की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे. और याद रखो कस्तूरी रंगन जी जो है उन्होंने ही जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाई है उसके भी चेयरपर्सन जो है वो कस्तूरी रंगन जी ही थे. ठीक है, सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस टू रिवाइज द स्कूल टेक्स्ट बुक्स, एंड दे हैव अपॉइंटेड फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी टू हेड द 12 मेंबर कमेटी विच विल बी डिवेलपिंग दिस न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. एंड he has also been the chairman of drafting committee which drafted this national education policy of 2020. So this committee, this new committee of 12 steering 12 member committee has been given a tenure of 3 years to complete this tasks to develop this national curriculum framework. So last time this framework was developed in 2005, so it was crying for a revision. That's why the government has gone for this, and based upon the inputs received from this national curriculum framework, four other frameworks are also connected to it, and based upon the recommendations of this committee, the school education curriculum or the teacher or early childhood or adult education curriculum will be decided, and this will act as the single point arm for deciding the curriculum for all these four education related levels. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.